नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। झांसी थाना कोतवाली क्षेत्र न्यू रोड झरना गेट पर प्राप्त सूचना के आधार पर औचक निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध औषधियां मिली। थोक विक्रेता मेसर्स दीपक मेडिकल एजेंसी द्वारा क्रय विक्रय का स्रोत प्रस्तुत नहीं कर सके। छापे में पकड़ी गई महंगी दवाई, सभी दवाइयों को सील कर अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही फर्म में भारी मात्रा में हॉस्पिटल सप्लाई की मुफ्त दवाइयां भी बरामद हुई हैं, उन्हें भी सील कर दिया गया है। लगभग 3,13,000 की कुल दवाएं पाई गई और 3 दवाओं के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। विवेचना के पश्चात ड्रग और कॉस्मेटिक के तहत सक्षम न्यायालय में FIR दायर कर कार्यवाही की गई। आज दिनांक 12/7/19 को मेरे एवं औषधि निरीक्षक झांसी श्री उमेश कुमार भारती द्वारा दीपक मेडिकल एजेंसी जो झरना गेट न्यू रोड पर स्थित है का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में इस फर्म से भारी मात्रा में संदिग्ध दवाएं भंडारित पाई गई, जिनके बारे में पूछताछ करने पर फर्म स्वामी द्वारा ना तो उनके बिल प्रस्तुत किए गए, न ही उनका प्राप्ति का कोई स्रोत बता सके, जिसके आधार पर हम लोगों ने लगभग 3,13,000 की संदिग्ध औषधियाँ फार्म 16 पर सीज की गई हैं। इसके अलावा 3 दवाओं के नमूने भी जांच हेतु लिए गए हैं। विवेचनाओं के उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले टेलर मास्टर को एक फर्जी कॉल किया, उसे बुलाया गया, उसको कार में बिठाया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बाद में आरोपियों ने शव को झांसी से काफी दूर मध्य प्रदेश के सतना में फेंक दिया था। झांसी पुलिस कप्तान डॉक्टर OP सिंह ने बताया कि 21 जून 2019 को टेलर मास्टर संजय जोशी की गुमशुदगी दर्ज की गई। इसके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। नवाबाद पुलिस और SWAT टीम लगातार सुराग लगा रही थी। इसी बीच 11 जुलाई को ओम प्रकाश साहू को पकड़ा गया। पूछताछ में ओम प्रकाश साहू ने बताया कि 6 माह पहले मेरा संजय जोशी से विवाद हो गया था। इसमें संजय ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। संजय अक्सर मेरी पत्नी से बात किया करता जो मुझे नागवार गुजरती थी। जब संजय जोशी ने मेरी बेइज्जती की तो मैंने उसकी हत्या करवाने का निर्णय लिया और बाद में किराए के हथियारों से संजय जोशी की हत्या करा दी। ओम प्रकाश साहू ने काके उर्फ गुरविंदर को 2,00,000 में संजय जोशी की हत्या की सुपारी दी थी, जिसमें से पहले 5,000 एडवांस दिया गया और बाकी हत्या करने के बाद दिए जाने का वायदा हुआ। इसमें गुरविंदर के साथ विनय त्रिपाठी और उसका एक साथी शामिल हुआ, जिसमें फर्जी सिम खरीदी कर उसी फर्जी सिम से संजय जोशी को एक ड्रेस के नाम पर छलावा किया गया। संजय को मोबाइल पर आया फर्जी कॉल उसकी हत्या का कारण बन गया। पुलिस ने ओम प्रकाश साहू, गुरविंदर सिंह और सुरेश उर्फ लक्की, विनय त्रिपाठी, संजीव राजपूत, राकेश जगत की निशानदेही से मृतक संजय जोशी की जानकारी हासिल की, जिसमें मध्य प्रदेश के सतना में बॉडी फेंकने का वाकया भी सामने आया। आरोपी गुरविंदर आपराधिक इतिहास का व्यक्ति है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पहिया वाहन, 2 पहिया बाइक और 1 तमंचा भी बरामद किया है। कार्रवाई करने वाली टीम में SHO देवेंद्र द्विवेदी, प्रभारी नवाबाद विनय कुमार पांडे, SWAT प्रभारी योगेंद्र चौहान, विमलेंद्र सोमेश कुमार थाना नवाबाद, अजीत शर्मा थाना नवाबाद, कुंवर बहादुर थाना नवाबाद, अभिनेशर तिवारी, पदम गोस्वामी, दुर्गेश चौहान, सर्विलांस टीम मनोज कुमार समेत पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया। ये जनता झांसी के एक मशहूर टेलर थे, संजय जोशी टेलर्स का नाम संजय जोशी। 21 तारीख से वो गायब थे और 21 तारीख के बाद इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था इसकी सूचना मिलने पर, और इस पर हम लोगों ने, हमारी SWAT की टीम ने और नवाबाद की टीम ने, इसकी सिटी क्षेत्राधिकारी नगर, इन सब लोगों ने मिल करके इसको ट्रैक डाउन किया। तो पता चला कि इनके पड़ोसी ने झगड़े के कारण इनकी 2,00,000 रुपए में सुपारी दी थी हत्या कराने की, और इनको अपराधियों ने एलाइट चौराहे से 4-व्हीलर में ले जा करके और यहाँ बाहर हत्या की। हत्या करके इनकी डेड बॉडी सतना जिले के नागौद थाना अंतर्गत क्षेत्र में फेंक दिया था ताकि इसकी पहचान ना हो। हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन किया और इस अपराध का अनावरण किया। इस अपराध में जो हत्या करने वाले, साथ में जाने वाले 3 अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। 2,00,000 रुपए में इनके पड़ोसी ने, जो इनका मर्डर करने का ठेका दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस गाड़ी से इनको ले जा करके डेड बॉडी को
सतना जिले के नगाव थाना अंतर्गत क्षेत्र में छिपाया गया था, फेंका गया था। उस गाड़ी को, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, गाड़ी को बरामद किया गया है। जिस मोटरसाइकिल से सवार होकर के ये लोग निकल रहे थे, उस मोटरसाइकिल को भी लिया गया है कब्जे पुलिस में। इनसे, इनके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुई है। और इनको, इनकी इस पूरे कांड में सहयोग करने वाले सिम विक्रेता, जिसने फर्जी आईडी पे इनको सिम बेचा और इस हत्या में इनका सहयोग किया, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण का गहन इन्वेस्टिगेशन करके अनावरण किया गया और इसमें संलिप्त समस्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की। आखिर वजह क्या रही, क्यों सुपारी दी गई, क्या ऐसी बात? ये जो जिन्होंने सुपारी दी, ओम प्रकाश साहू, इनके ये लोग मंदिर जाते थे परिवार के साथ, तो इनका कहना था, इनको कुछ शक था इनके संजय जोशी पे, कि इनकी पत्नी से वार्ता करते हैं। इस शक के आधार पे इनका आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद ओम प्रकाश साहू का कहना है कि मैंने ये ठान लिया कि इनको जो है रास्ते से हटाना है, और उन्होंने इन अपराधियों से संपर्क किया। 2 लाख रुपए में इनकी बात हुई, 5,000 रुपये इन्होंने वार्ता करने के पहले वार्ता किया उस समय एडवांस दिया, और 1,95,000 रुपये जब हत्या करके ये लोग लौट करके आए, उन्होंने बताया कि हमने हत्या करके उसको ठिकाने लगा दिया है, तो बाकी का पेमेंट किया। इनको SR कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रेस बनवाने के लिए सिलाई कराने का ठेका देने के लालच दे करके इनसे वार्ता की गई। इनको बुलाया गया लेट चौराहे पे, और उसके बाद इनको लेकर के गए कि हम SR कॉलेज लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद ले जा करके रास्ते में इनकी हत्या करके और इनकी डेड बॉडी सतना मध्य प्रदेश नगाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत। समाज में पुलिस के लिए एक अलग ही धारणा बनी है। पुलिस को देखकर लोग भाग जाते हैं, आसानी से कोई पुलिस से बात नहीं करना चाहता। पुलिस की छवि लगातार धूमिल होती जा रही है, लेकिन गाड़ासरई पुलिस टीम ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर लोगों के बीच मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि गाड़ासरई थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया गाड़ासरई थाना क्षेत्र में लगातार तस्करों के ऊपर लगाम कसे हुए हैं और उनकी कार्यवाही से तस्करों में खौफ का माहौल है। अब उन्होंने एक अनोखी पहल की है। थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया को जैसे ही पता चला कि लगातार ब्लड बैंक की कमी के चलते बच्चों और बीमार मरीजों की मौत हो रही है, तो फौरन उन्होंने रक्तदान शिविर लगाने का निश्चय किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ासरई में शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 51 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान गाड़ासरई थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया, उप निरीक्षक अनुराग जामदार, सहायक उप निरीक्षक मुकेश बैरागी, आरक्षक संदीप साहू, आदित्य शुक्ला, डॉक्टर BP कोले, डॉक्टर मित्रा, डॉक्टर चंद्रशेखर ध्रुवे, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। कमी शासन द्वारा एक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कुपोषित बच्चों और रक्त की कमी है, उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा है। हमने जिला अस्पताल से भी संपर्क किया, जहां बहुत से बच्चों को ब्लड की आवश्यकता थी, उस पर हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आज दिनांक को हमने जिला अस्पताल गाड़ासरई में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें थाने का स्टाफ और नगरवासी सभी लोगों ने रक्तदान किया वहां, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जिनको आवश्यकता में, जिनको जरूरत है, उनको ब्लड बैंक से वो ब्लड उपलब्ध हो सके। तो ऐसे करके 51 यूनिट आज हमने यहां पर ब्लड डोनेट किया है थाना और नगर के लोगों ने मिलकर के। डिंडोरी जिले के चांडा गांव में राहुल गांधी वर्ष 2008 में पहुंचे थे, उसी दौरान उन्हें पता चला कि तातर गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा है। आदिवासी अंचलों में होने वाली शादियों की रस्में और परंपराओं को जानने के लिए राहुल गांधी दूल्हे गणेश सिंह के घर पहुंच गए और काफी देर तक मंडप के नीचे बैठकर शादी की रस्में और आदिवासी परंपराओं के बारे में जानकारी ली और परिवार वालों को एक बार फिर आने का आश्वासन देकर चले गए। देखिए हमारे रिपोर्टर नगुरंदन चक्रवर्ती की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम डिंडोरी जिले के चाड़ा पंचायत के पोषक ग्राम तातर में आ पहुंचे हैं। ये तातर गांव वही तातर गांव है जहां राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी जी एक शादी समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे थे और बैगाचक क्षेत्र की शादी और संस्कृति के बारे में आकर बहुत नज़दीकों से उनको जानने का एक मौका मिला था। हमारे साथ खुद परिजन है जो बताएंगे कि उनके घर में वो आए थे और शादी के बारे में उन्होंने क्या पूछा और क्या जाना। दादा बताइए, गांधी जी जब आए थे, राहुल गांधी क्या पूछे? वो
ये पूछ रहे थे, मंडप के नीचे आए थे और पूछ रहे थे कि कैसे कैसे शादी करते हो, कैसे ब्याह करते हो। तो बताए हम कि एक दिन पहले जो है हम मड़वा गाड़ते हैं, मड़वा गाड़ने के बाद दूसरा दिन मायन करते हैं। और उन्होंने क्या कहा और अपने तरफ से उन्होंने क्या बोला आपको? वो यही पूछ रहा था कि रीति रिवाज के बारे में कि कैसे कैसे करते हो, पंडित लगाते हो, क्या लगाते हो। तो नहीं बोले हम लोग तो शादी की परंपराओं के बारे में राहुल गांधी जी ने बहुत नजदीकी से जाना था। और आइए हमारे साथ वो खुद युवक हैं जो उस समय दूल्हा बने हुए थे, आज उनकी तीन लड़की हैं और उनका परिवार खुद का है। भाई साहब आप बताएंगे कि जब राहुल गांधी आपके परिवार में शादी में शामिल होने आए थे तो आपको कैसा लगा था और उन्होंने क्या बोला था आपको? जी बहुत अच्छा लगा था सर, और गांव के विकास के बारे में भी बोला और गांव का विकास तो जैसा है वैसा ही है, थोड़ा आगे बढ़ा है और हमारा सोच है कि हमारा भी विकास हो और गांव का भी अच्छा तरीके से विकास करे और आकर के दोबारा इस वन ग्राम तातर में आए, ग्राम पंचायत चाड़ा का जो वन ग्राम तातर है वहां पर दोबारा आए और दोबारा यहां आकर के फिर अपने तातर का समस्या को देख करके समस्या का समाधान करे। आप एक बार फिर से मिलना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलना चाहूंगा सर। तो जब चाड़ा आएंगे तो आप मिलेंगे? जी सर, मिलूंगा सर। तो तातर गांव का जो यह परिवार है एक बार राहुल गांधी से फिर मिलना चाहता है और अपनी समस्या भी बताना चाहता है और तातर गांव के समस्या को लेकर वो चाहता है कि तातर गांव का भी चहुमुखी विकास हो जिससे यहां के ग्रामीण आगे की ओर बढ़ सकें। कैमरामैन राजेंद्र यादव के साथ रघुनंदन चक्रवर्ती, पुलिस वाला डिंडोरी। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।